हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जो है एम्पलीफायर कैबिनेट का हम अनबॉक्सिंग करने वाले। तो इस वीडियो में जो है हम एम्पलीफायर का जो बॉडी होता है तो उसके अंदर जो है हमें जब लेते हैं तो इसको अंदर क्या क्या आ जाता है, किस तरीके से हम यहाँ पर सारे पार्ट्स यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी हम इस वाले वीडियो में लेने वाले। तो दोस्तों, इस वाले एम्पलीफायर कैबिनेट का यूज़ कर हम आसानी से घर पर जो है एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर बना सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसमें हम काफ़ी सारे जो है क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड या फिर 4440 IC एम्पलीफायर बोर्ड भी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर सारे पार्ट्स देखने को मिलने वाले हैं तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, इस वाले एम्पलीफायर कैबिनेट का हम ब्रांड देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिलाइन जो है इसका ब्रांड नेम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप कोई भी जो है एम्पलीफायर कैबिनेट यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है सारे कुछ जो है बेसिक यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ही सेम कैबिनेट जो है आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनिलाइन कंपनी का है और इसका जो मॉडल नेम है यहाँ पर देख सकते हैं 999 कैबिनेट विथ फिटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों, इसमें जो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी पोटेंशियोमीटर या ऑन ऑफ स्विच या वगैरह कुछ जो है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जो है यहाँ से इसमें इनबिल्ट यहाँ पर हमको सारा कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम इसका पैकिंग अभी ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसका अभी जो है पैकिंग निकाल रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर अभी इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देख लेंगे। अभी हम इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर इसका पैकिंग देखने को मिल जाता है। तो एम्पलीफायर हिलना इसलिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है थर्माकोल के यहाँ पर पीस जो है हमको यहाँ पर लगे हुए दिख रहे हैं। इसके बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लुक में यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से एक प्लास्टिक में यहाँ पर इसको पैक कर लिया है। तो अभी हम जो है इसका ऊपर वाला जो प्लास्टिक वाला जो यहाँ पर देख सकते हैं पन्नी लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर हटा लेते हैं। अब हम इस एम्पलीफायर कैबिनेट में कौन से यहाँ पर पार्ट्स लग कर आते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग हमको दिखाई दे रहा है। और इसका जो फ्रंट साइड पर देख सकते हैं इसका जो सेंटर वाला पार्ट है जो कट लगा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल फिक्स हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए कुछ इस प्रकार से एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। और ठीक उसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर हमको और एक पोटेंशियोमीटर दिख रहा है, जो कि दोस्तों ये ट्रेबल कंट्रोल करने के लिए है। और इसके बाजू में देख सकते हैं एक हमें इस प्रकार से एक पुश बटन हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर माइक किसको कनेक्ट होगा, तो माइक सॉकेट यहाँ पर हमको ऑलरेडी लगा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते और एक जो हमें यहाँ पर पुश बटन यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर जो है छोटा सा LED यहाँ पर फिक्स करने के लिए, जो कि दोस्तों पावर इंडिकेशन देने के लिए यहाँ पर इसके LED के लिए जगह दिया गया है। और इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर बेस कंट्रोल करने के लिए और एक यहाँ पर पोटेंशियोमीटर हमको दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट राइट जो है बैलेंस कंट्रोल करने के लिए एक और पोटेंशियोमीटर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका कोड यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कैबिनेट का UL999। और देख सकते हैं यहाँ पर दो जो है हैंडल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सारा अट्रैक्टिव लुक यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है। जैसे कि प्रोफेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं बड़े वाले, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका शानदार लुक हमको देखने को मिल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से स्क्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके कैबिनेट की अच्छी पैकिंग के लिए, जो कि दोस्तों काफ़ी हीवी यहाँ पर जो इसका पैकिंग हो जाता है, जिससे कि जो कैबिनेट का जो यहाँ पर मजबूती है वो काफ़ी अच्छी हमको दिखाई दे रही है। और इसके नीचे साइड पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारे हमको होल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आसानी से कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड लगा सकते हैं और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर भी फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चार हमको छोटे से लेग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों किसी भी जगह पर रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी कनेक्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से हमको 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ पर सॉकेट दिया गया है। और यहाँ पर एक एंटेना के लिए होल दिया गया है, इसका यूज़ कर हम FM के लिए एक वायर यहाँ पर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 6 सॉकेट हमको दिखाई दे रहे हैं। इसका यूज जो है दोस्तों हम काफ़ी जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ऑक्स का यहाँ पर इनपुट देख सकते हैं, जिससे कि दोस्तों हम TV पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं या मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन सॉकेट का यूज जो है हम काफ़ी जगह पर कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर दोस्तों साउंड से आउटपुट भी ले सकते हैं। और ठीक उसके बाजू में देख सकते हैं यहाँ पर जो है लेफ्ट लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर से स्पीकर कनेक्ट होगा।
तो यहाँ पर जो है हम देख सक पा रहे हैं, यहाँ पर दो सॉकेट हमको दिखाई दे रहे हैं स्पीकर कनेक्शन के लिए, और सेम यहाँ पर भी राइट लिखा हुआ है, ये भी स्पीकर के लिए यहाँ पर हमको दो सॉकेट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों टोटल जो है हम यहाँ पर चार स्पीकर इजीली यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेन लीड, यानी कि दोस्तों इसको जब एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इसके वायर का जो है यहाँ पर इसको यूज़ में ला सकते हैं, इस होल को। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस वाले कैबिनेट को हमने जो है लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। और दोस्तों अगर इसकी प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों मुझे जो है ये लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो है ये मेरे को 450 का मिला है। अपने एरिया के हिसाब से जो है दोस्तों इसका प्राइस जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कैबिनेट जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है गुड बाय।